everyone, welcome to the physics lecture series for class 12th. This is part 5 of semiconductor devices. तो last lecture में हमने transistor के बारे में देखा था. हम उसी को continue करेंगे. We will see the characteristics of transistor. तो we start with the CE configuration. Last lecture में हमने देखा था कि तीन mode of operation है. CC, common collector, common base, common emitter. और common emitter is the most commonly used configuration. तो इसकी हम अभी characteristics study करेंगे. तो there are two characteristics of transistor. Characteristics से क्या होगा ये हमें पता चलेगा कि हम इसका क्या use कर सकते हैं. इसका use हम क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में इसे use कर सकते हैं. तो दो characteristics, एक तो input characteristics है और दूसरा जो है output characteristics है. So this is the diagram. ये diagram हमारे पास है. सो हियर वी हैव अ पावर सप्लाई. ये पावर सप्लाई जो है VBB, ये बेस एमिटर को कनेक्ट करने के लिए काम आता है. एंड दिस विल एंश्योर दैट बेस एमिटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, हमेशा फॉरवर्ड बायस रहे. ठीक है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है. दिस इज NPN. तो हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो P से कनेक्टेड है, नेगेटिव N से कनेक्टेड है. तो ये जो पार्ट है ये फॉरवर्ड बायस है. और ये जो सेकेंड पार्ट है दिस वन, ये जो हमारे पास कलेक्टर एमिटर को कनेक्ट किया और इसे रिवर्स बायस करना है. तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से किया है. नाउ वी आर यूजिंग एमिटर, सम एमिटर एज़ वेल एज़ वोल्टमीटर. तो ये जो हमारे पास है दिस, ये जो IB है, ये जो हमारे पास ये माइक्रो एमिटर है, ये माइक्रो एमिटर बेस करंट फाइंड करने के लिए काम आएगा, कितना बेस करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो बिकॉज इट इज़ बेस करंट इज वेरी स्मॉल, इसलिए हम माइक्रो एमिटर यूज़ करेंगे. और ये जो है बेस एमिटर वोल्टेज जो है वो फाइंड करने के लिए काम आता है. दिस इज़ द रजिस्टर which is connected to the terminal of this particular battery. Then ये जो हमारे पास है milliammeter, ये collector current find करने के लिए काम आता है. और ये जो है VCE, ये collector emitter voltage find करने के लिए काम आता है. तो these are the four things we'll be seeing in this particular characteristics. तो ये जो part है, this part, ये जो part है हमारे पास, जो ये input part है और ये जो blue से मैं mark करूँगा, ये हमारे पास this is the output part. तो हमारे पास चार पैरामीटर्स यहाँ पर हैं. ओके, ये चार में IB एंड VBE, ये इनपुट पैरामीटर्स हैं, क्योंकि इनपुट टर्मिनल्स पे है. यहाँ पर IB है, यहाँ पर VBE है, ये इनपुट पैरामीटर्स हैं. देन ये जो है हमारा, ये जो मार्क ब्लू से किया, ये हमारे पास आउटपुट पैरामीटर्स, आउटपुट मेजर करने के लिए. तो आउटपुट पैरामीटर्स हमारे पास हो जाएंगे IC और VCE. सो दिस टू आर दी आउटपुट पैरामीटर्स. तो इसे हमें ध्यान में रखना है. And based on this, we will study the input as well as the output characteristics. So हम ये फिलहाल एज्यूम करते हैं कि वी आर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स लैब और हमने ये सब सर्किट इस तरह से कनेक्ट कर दिया है. ओके, तो अभी हम देखेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने के लिए हमें क्या चीज़ वेरी करनी पड़ेगी, क्या चीज़ को कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा. ओके, वी विल सी दैट नाउ. नाउ लेट अस फर्स्ट सी द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आई जस्ट कॉपी दिस डायग्राम हियर, तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी. तो व्हाट इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन IB एंड VBE. ठीक है, ये इनपुट पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन है IB VBE. व्हेन VCE इज केप्ट कांस्टेंट, तो VCE को हम कांस्टेंट रखेंगे और ये दोनों को वेरी करके देखेंगे ये कि अगर हम VBE को चेंज करते तो IB में क्या फ़र्क पड़ता है. तो सपोज वी आर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, हम इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में हैं और हमने ये पावर सप्लाई ऑन कर दिया. ठीक है, पावर सप्लाई ऑन करने के बाद हमने VCC को इस तरह से एडजस्ट किया कि ये जो VCC को ऐसा एडजस्ट किया कि ये हमको 10 वोल्ट मिल रहा है. ओके, ये हमको 10 वोल्ट मिल रहा है, इसको हमने 10 वोल्ट पे फिक्स कर दिया. अभी इसको कुछ भी नहीं करेंगे. नाउ ये जो VBB है, ये पावर सप्लाई को हम इंक्रीज़ करेंगे. इस तरह से इंक्रीज़ करते रहेंगे कि VBE जो है ये स्लोली बढ़ता रहे. और उसको बढ़ाने पर, जैसे हम सपोज हमने VBE को ज़ीरो रखा, फिर इसके बाद 0.1 किया, उसके बाद 0.2 किया VBE को. ठीक है, और हम करंट IB मेजर करते जा रहे हैं इस तरह से कि ये कांस्टेंट ही है, ये दोनों वेरी हो रहे हैं. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा कि हम देखेंगे कि इनिशियली जब वोल्टेज बहुत कम रहेगा VBE, तो कुछ भी करंट जो है राइज नहीं होगा. ये VC, दिस इज VBE, दिस नॉट VBE, दिस ये VBE है. ठीक है, दिस इज VBE, ये नहीं है. तो इनिशियली क्या होगा, करंट जो है राइज नहीं होगा. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके करंट सडनली राइज हो जाएगा. ओके, इस तरह से राइज होगा. ओके, सो दिस इज़ फॉर VCE इक्वल टू 10 वोल्ट. ओके, तो हमने क्या देखा कि एट 0.6 VBE
करंट स्टार्ट राइजिंग, कि करंट जो है ऑफ कोर्स माइक्रो एम्पियर में रहेगा और एकदम सडनली राइज होगा। नाउ सपोज इफ हमने और एक सेट ऑफ रीडिंग के लिए, हमने और एक सपोज और एक सेट ऑफ रीडिंग लेना है, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट पार्ट में हमने वी सी को अभी 5 वोल्ट कर दिया सपोज, ठीक है, वी सी को 5 वोल्ट कॉन्स्टेंट कर दिया, और फिर से हम वी बी वर्सेज आई बी को अगर स्टडी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा और एक कर्व मिलेगा जो कि थोड़ा अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये हमको वी सी इक्वल टू 5 वोल्ट कॉन्स्टेंट पर मिल रहा है, तो इस तरह से हमको ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें ऐसे बहुत सारे फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे अगर हम अलग अलग वोल्टेज में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे कर्व्स मिलेंगे। सो दिस कर्व, दिस इज एक्चुअली द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। नाउ ये कर्व से हमें सिर्फ इतना पता चलती है, ये जो कर्व है इससे हम इतना ज़्यादा कुछ नहीं, ये सिर्फ इतना कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं कि ये जो है ऑर्डिनरी डायोड की तरह काम कर रहा है, जैसे ऑर्डिनरी डायोड का जो होता है वैसे ये भी वर्क कर रहा है। ओके, वी कैन फाइंड द इनपुट रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व से हम इसका इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम जो है ग्राफ के लिए जैसे वी टेक 2 पॉइंट्स, हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर। ओके, और ये 2 पॉइंट के लिए वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ वी बी एंड 2 वैल्यूज ऑफ आई बी, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एक्स वन वाई वन है और ये एक्स टू वाई टू है। ओके, तो इसका जो स्लोप मिलेगा हमको वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये जो हमको स्लोप मिलेगा। ओके, तो 1 अपॉन स्लोप करेंगे तो आर आई जो रहेगा, आर आई इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप, ठीक है। 1 अपॉन इसलिए कि ये जो हमको रिलेशन देगा आई बी अपॉन डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा वी बी मिलेगा, और रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। तो ये आर आई जो है ये फार्मूला इसका ये मिलेगा डेल्टा वी बी अपॉन डेल्टा आई बी, ठीक है। तो ये जो स्लोप हमको जो स्लोप मिल रहा है, एक्चुअली क्या मिल रहा है, स्लोप मिलेगा डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा वी बी, ठीक है। तो इसको हम रिवर्स करेंगे तो हमको आर आई मिल जाएगा। सो दिस हाउ वी फाइंड द इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज द व्हाट वी हैव द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट अस सी द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखेंगे हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सो इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन आई सी एंड वी सी, ठीक है। आई सी और वी सी का रिलेशन बताएगा जब आई बी कॉन्स्टेंट है। तो ये केस में ये हम दिस आर दी आउटपुट पैरामीटर्स, ये आउटपुट पैरामीटर्स हैं। इसको इसको चेंज करके हम देखेंगे, इसको चेंज करके देखेंगे इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, और ये आई बी अभी कॉन्स्टेंट रखेंगे। तो सपोज वी आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट में दोनों पावर सप्लाई को ऑन कर देंगे और इसको जो वी बी को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि वी गेट दिस करंट, ये करंट हमको कॉन्स्टेंट 5 माइक्रो एम्पियर मिल रहा है शुरुआत में, ठीक है। वी स्टार्ट 5 माइक्रो एम्पियर, इसको फिक्स रखेंगे। अब ये जो वी सी सी है इसको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि वी सी ई जो है स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो हम देखेंगे 0 वोल्ट पर ये करंट कितना आ रहा है, फिर इसको 1 वोल्ट पे कितना करंट आ रहा है, 2 पे कितना आ रहा है, 3 पे, ऐसे करते करते 10 वोल्ट तक जा सकते हैं हम लोग ऐसा एक नॉर्मली। तो हम देखेंगे करंट क्या मिलता है, आई सी क्या मिल रहा है। अब यहाँ पर आई बी कॉन्स्टेंट है तो हम क्या देखेंगे कि ये इनिशियली जो है करंट राइज होता रहेगा, ठीक है। राइज होने के बाद एक पर्टिकुलर वोल्टेज में भी लाइक सपोज ये 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट के बाद जो है करंट राइज नहीं होगा, करंट सेचूरेट हो जाएगा। करंट देखो ये करंट ऐसा ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है ना, वो करंट जो है कॉन्स्टेंट हो गया है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि इनिशियली करंट राइज होगा, ठीक है, और बाद में कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा करंट, आई सी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब नेक्स्ट ये पावर सप्लाई को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये जो करंट है आई बी, ये हमको 10 माइक्रो एम्पियर मिले, ठीक है। इसको फिक्स कर देंगे, फिर ये दोनों को वेरी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक नया कर्व मिलेगा इस तरह से कि करंट राइज होगा, अभी जाके 2 मिली एम्पियर पे ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इस तरह से हम और 2 रीडिंग लेते हैं तो हमें ये कर्व इस तरह से मिलेंगे, इस तरह से ऐसे कर्व मिलेगा हम लोगों को। तो दिस इज व्हाट वी गेट फाइनल, ये हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये जो कर्व है दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। नाउ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, एंड इससे हम देखते हैं कि हम ट्रांजिस्टर का क्या यूज़ कर सकते हैं। नाउ एज वी नो आई बी जो है हमारे पास इनपुट करंट है एंड आई सी इज द आउटपुट करंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ट्रांजिस्टर का एक एम्पलीफाइंग एक्शन हमें समझ में आ रहा है। व्हाट इज़ द एम्पलीफाइंग एक्शन, ये ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास आई बी जो था 5 माइक्रो एम्पियर था और आई सी जो हमको मिल रहा है 1 मिली एम्पियर मिल रहा है। अच्छा, हमने क्या किया, 5 माइक्रो एम्पियर से 10 माइक्रो एम्पियर, हमने सिर्फ 5 माइक्रो एम्पियर करंट जब बढ़ा दिया तो करंट जो है 1 मिली एम्पियर बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर बेस करंट यानी इनपुट करंट 5 माइक्रो एम्पियर राइज हो रहा है
और आउटपुट करंट 1 mA राइज हो रहा है, यानी देर इज एन एम्पलीफिकेशन एक्शन। ओके, ये एम्पलीफायर कर रहा है ना। उसी एम्पलीफायर कैसे कर रहा है कि हमारे पास बेस करंट जो था पहले 5 μA था, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁶। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ देर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 5 μA। ठीक है ना, और यहाँ पर हमें इंक्रीज मिल रहा है 1 mA, तो हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 mA - 1 mA, वी गेट 1 mA, तो हो जाएगा 10⁻³। ओके, और यहाँ पर हमें 5 μA राइज हो रहा है, तो अगर कंपेयर करेंगे तो ये मिलेगा 10⁻⁶। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सो दिस बिकम्स, दिस इज इक्वल टू 10 × 10⁻⁴ अपॉन 5 × 10⁻⁶। ये 10⁻⁶ ऊपर जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 2 = 10, तो फाइनली जो हमको मिलेगा 2 × 10⁻² विच इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमने क्या दिया, ये जो ऊपर जो पार्ट है वो आउटपुट कर द चेंज इन आउटपुट करंट, ठीक है, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन ये चेंज इन इनपुट करंट है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, आउटपुट करंट इज 200 टाइम्स द इनपुट करंट, तो हमें क्या था, आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल टू 200, सो आउटपुट इक्वल टू 200 टाइम्स द इनपुट। तो हम क्या देखते हैं कि जो इनपुट पे हम करंट देते हैं, आउटपुट पे 200 टाइम्स हमें राइज मिलता है। सो दिस इज द एम्पलीफाइंग एक्शन, और हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफाई की तरह काम में ला सकते हैं, जो भी आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। नाउ टू फाइंड द आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, हम कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे, जैसे अगर हम ये कर्व में देखते हैं, मैं येलो से बनाता हूँ, ये कर्व के अंदर, ये पर्टिकुलर कर्व के अंदर वी कैन टेक एनी टू पॉइंट, दो पॉइंट ले लेंगे, हमें x1 y1 x2 y2 मिलेगा, जो स्लोप मिलेगा वो हमको करंट अपॉन वोल्टेज मिलेगा। तो R0 आउटपुट जो रेजिस्टेंस है उसको 1/स्लोप करेंगे, तो दैट इज व्हाट वी गेट, R0 इज डेल्टा VC अपॉन डेल्टा IC, दिस इज द आउटपुट रेजिस्टेंस। नाउ लेट अस सी वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ऐसे ट्रांजिस्टर के बहुत सारे एप्लीकेशन है, वन ऑफ द फंडामेंटल एप्लीकेशन इज ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स मीनिंग ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या करता है, इट इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ वीक सिग्नल। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक सिग्नल है, ये सिग्नल है, इसकी इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, इसका पावर लेवल बहुत कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एम्पलीफायर से पास करेंगे, तो ये क्या करेगा, इसका एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देगा, बाकी सब सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी वैल्यू सब सेम रहेगी, तो ये इट इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड, इसके पावर को बोलेंगे, ये पावर को बढ़ा देगा। ठीक है, इट इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल। ओके, तो ये वाइट जो देखते हैं ये एम्पलीफाइड है, और येलो जो वेव है वो इनपुट वेव है, और ये आउटपुट वेव जो हमें एम्पलीफाइड वेव मिलेगी। सो हियर वी कैन सी दैट सर्किट डायग्राम, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही पावर सप्लाई है, ये सेम पावर सप्लाई जो हम बेस को भी देते हैं, DC पावर सप्लाई, और वही सब करेक्ट रीजन को भी पावर करने के लिए काम आता है। दिस इज द ग्राउंड। ओके, सो दिस इज अ सिंपल कनेक्शन। दिस DC पावर सप्लाई, ये जो है DC पावर सप्लाई जो है ट्रांजिस्टर के फंक्शनिंग करने के लिए काम आती है। अगर ये कनेक्ट नहीं करेंगे तो ट्रांजिस्टर एक्शन ही नहीं मिलेगा हमें। तो फॉर प्रॉपर ट्रांजिस्टर एक्शन वी मस्ट एंश्योर दैट बेस एमिटर इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर एमिटर इज रिवर्स बायस। ये CE मोड में कनेक्ट किया हमने। जो इनपुट सिग्नल है वो बेस पे दिया जाएगा, दिस इज द इनपुट सिग्नल। ये जो वीक सिग्नल है, ठीक है, ये जो सिग्नल है इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, वीक सिग्नल जिसको बोलेंगे, तो इसको हमको इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको बेस पे अप्लाई करेंगे, और ये हमें एक एम्पलीफायर आउटपुट देगा एट दी आउटपुट। ये हमें एम्पलीफायर आउटपुट मिलेगा, इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी इंटेंसिटी बड़ी हुई रहेगी। जैसे इसके पहले हमने देखा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में, हमने देखा था कि कैसे हम इनपुट पे बहुत छोटा सिग्नल देते हैं, मगर आउटपुट पे हमें करंट 200 टाइम्स मिलता है, तो ज़्यादा कम भी हो सकता है। खैर, तो ये हमें इनपुट देते हैं, दिस इज़ व्हाट वी गेट दी आउटपुट। नाउ एक बार ध्यान में रखना है, बेस एंड कलेक्टर, ठीक है, तो जो बेस पे इनपुट देंगे तो वो हमें जो है वी गेट आउट ऑफ फेज सिग्नल। ये जो इनपुट ऐसा राइज हो रहा है, आउटपुट हमें ऐसा राइज करके मिलेगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर क्रेस्ट है, इसका ट्रफ मिल रहा है, ट्रफ का क्रेस्ट मिलेगा, तो दे आर आउट ऑफ फेज। सो दिस इज हाउ द ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी स्टडी इज द लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट स्टडी करने पहले वी विल सी सम डेफिनेशंस, लाइक द फर्स्ट इज द डिजिटल सिग्नल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डिजिटल सिग्नल, तो द सिग्नल विच हैज़ डिस्क्रीट स्टेट्स इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल में क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने ये सिग्नल ड्रॉ किया है, तो या तो वो जैसे एक द मोस्ट सिंपलेस्ट डिजिटल सिग्नल इज दिस वन, जिसमें दो ही स्टेट होंगे, तो या तो सिग्नल 0 होगा या तो 1 होगा।
ठीक है, ये हाई या लो भी बोलते हैं। सो लो मे बी इट इज़ कॉल्ड 0 वोल्ट को लो बोलेंगे, ओके। एंड हाई सिग्नल इट मे बी लाइक 5 वोल्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे सिंपली सिंपलिसिटी के लिए 5 वोल्ट कंसिडर करते हैं। तो ज़ीरो इसको बोलेंगे लॉजिक ज़ीरो और 5 वोल्ट को बोलेंगे लॉजिक वन, ठीक है। सो एक पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में भी देखेंगे। सो लो इज़ ज़ीरो एंड हाई इज़ वन, ओके। सो दिस इज़ हैविंग अ डिस्क्रीट स्टेट, ठीक है। दो ही फिलहाल यहाँ पे दो ही स्टेट है, या तो ज़ीरो या तो वन है। तो दिस इज़ अ डिजिटल सिग्नल। नाउ नेक्स्ट जो है हम देखेंगे लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स क्या है? तो लॉजिक गेट एक डिजिटल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जिसको बोलेंगे। तो डिजिटल सर्किट होता है जिसमें एक या ज़्यादा इनपुट्स होंगे मगर आउटपुट सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। तो डिजिटल तो लॉजिक गेट्स आर दोज इन विच दे हैव वन और मोर इनपुट्स, एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स होंगे मगर आउटपुट एक ही रहेगा, इसको बोलेंगे लॉजिक गेट। विल सी द लॉजिक गेट्स नाउ। इसके अलावा है बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा जो है इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो हमको रिलेशन बताएगा व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट, ठीक है। नाउ सम ऑफ द कॉमन गेट्स हम यहाँ पे जो स्टडी करने वाले, एक तो नॉट गेट है, एंड गेट है, और है नैंड, नॉर एंड एक्सॉर। लेट अस सी द गेट्स। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे नॉट गेट है। तो नॉट गेट क्या है? इट इज़ अ लॉजिक गेट विच हैज़ वन इनपुट एंड वन आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट है और आउटपुट हमेशा कॉम्प्लीमेंट रहेगा इनपुट का। दिस इज़ द लॉजिक, ये इसका सिम्बॉल है एंड गेट, सॉरी नॉट गेट का, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पे आगे बबल रहेगा और वाई इक्वल टू ए बार। नाउ दिस इज़ द ट्रूथ टेबल। नाउ बिकॉज ए इनपुट है तो ए या तो ज़ीरो रहेगा या तो वन रहेगा। सो व्हेन इनपुट इज़ ज़ीरो आउटपुट इज़ वन, व्हेन इनपुट इज़ वन आउटपुट इज़ ज़ीरो, एंड दिस इज़ द बूलियन एक्सप्रेशन, आउटपुट का एक्सप्रेशन वाई इक्वल टू ए बार, ठीक है। वाई इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ए इनपुट है, आउटपुट इक्वल टू ए बार रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज़ द एंड गेट। तो एंड गेट क्या है? एंड गेट है कि लॉजिक गेट है विच हैज़ टू और मोर इनपुट्स, एक इसके पास दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स भी हो सकते हैं मगर आउटपुट एक ही रहेगा। ये कैसे वर्क करता है? इसका आउटपुट हाई रहेगा, दिस इज़ द आउटपुट, ये आउटपुट जो है हाई रहेगा व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। जब दोनों के, फिलहाल यहाँ पे दो इनपुट हम ले रहे हैं, तो जब दोनों इनपुट हाई रहेंगे यानी वन रन रहेंगे, हाई जिसको बोलते हैं वन वन, तभी ये वन रहेगा, अदरवाइज वो ज़ीरो हो जाएगा। तो एंड गेट का एक भी इनपुट ज़ीरो रहेगा तो आउटपुट को ज़ीरो कर देगा, एंड दिस इज़ द ट्रूथ टेबल एंड द बुलियन एक्सप्रेशन। तो अगर हमारे पास दो इनपुट है तो ये 0 0 दोनों हो सकते हैं या 0 1 1 0 1 1। तो आउटपुट हाई कब रहेगा? जब दोनों के दोनों हाई रहेंगे तो आउटपुट हाई रहेगा, एंड दिस इज़ द बुलियन एक्सप्रेशन वाई इक्वल टू ए एंड। यहाँ पे ये डॉट है ना, इसको हम एंड लॉजिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको ए एंड बी पढ़ेंगे, ए एंड बी, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स द और गेट। ये हमारे पास और गेट है। तो और गेट एक लॉजिक गेट है जिसमें दो या उससे ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं और आउटपुट एक ही है। इसका आउटपुट हाई जब रहेगा, जब एक भी इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट हाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास दो इनपुट्स यहाँ पर है और इसका आउटपुट है, ये इस तरह से आउटपुट दिया, इसका सिंबल है। इसका ट्रूथ टेबल हम देखेंगे और बूलियन एक्सप्रेशन। तो 0 0 पे 0 है, 0 1 पे आउटपुट 1 है, 1 0 पे आउटपुट 1 है, 1 1 पे आउटपुट 1 है। तो एक भी इनपुट 1 है, आउटपुट 1 हो जाएगा। जब सब के सब इनपुट 0 रहेंगे तो ही 0 रहेगा, अदरवाइज वो 1 हो जाएगा। दिस इज़ द बुलियन एक्सप्रेशन। इसको ए प्लस भी नहीं बोलेंगे, इसको ए और, सो दिस इज़ द और सिंबल, ए और बी। देन नेक्स्ट कम्स द नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या है? ये लॉजिक गेट है विच हैज़ टू और मोर इनपुट्स बट अ सिंगल आउटपुट। इसका आउटपुट हाई है, जब एक भी इनपुट अगर लो रहेगा तो आउटपुट हाई हो जाएगा। नाउ दिस इज़ एक्चुअली, ये नैंड गेट है ना, ये नैंड गेट को हम कंबाइन करते हैं। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। जैसे हम एंड गेट हम ले हमारे पास है, इसके आगे हम नॉट गेट कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये नैंड गेट बन जाएगा, जो कि इस तरह से मतलब बताया जाता है, दिस इज़ वॉट द नैंड गेट इज़, ओके। सो चलिए स्ट्रेट लाइन रहेगी, चलेगा ऐसे भी, ओके। सो दिस इज द नैंड गेट, ओके। तो नैंड इज कैन सी अपोजिट ऑफ एंड। नैंड गेट में देखो, ये हमारे पास है कि एक भी ज़ीरो रहेगा इनपुट तो आउटपुट वन हो जाएगा। तो अगर सब के सब इनपुट वन रहेंगे तो ही आउटपुट ज़ीरो रहेगा, अदरवाइज हमेशा वन रहेगा, ओके। ये इसका लॉजिक या बोल मिलेंगे बुलियन एक्सप्रेशन है,
ए एंड बी द होल बार, ठीक है। नेक्स्ट जो है, सो नेक्स्ट वी हैव द नॉर गेट। तो नॉर गेट इज लॉजिक गेट विच हैज़ टू और मोर इनपुट्स बट अ सिंगल आउटपुट ऑफकोर्स। तो आउटपुट इज हाई व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लो। जब सब के सब इनपुट लो रहेंगे तो ही आउटपुट हाई रहेगा। ये हमारे पास इसका सिंबल है, ओके इस तरह से। सो ये हम ऐसा सोच सकते हैं, ये ऑफकोर्स दिस इज हाउ, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमारे पास और गेट होगा, ठीक है, दिस इज द और गेट। और के आगे हम नॉट कनेक्ट करेंगे, ऐसे नॉट कनेक्ट करेंगे, सो दिस बिकम्स नॉट। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा, ओके। देन द ट्रूथ टेबल, ये इसका ट्रूथ टेबल है, ठीक है। ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 रहेगा तो 1 मिलेगा, बाकी सब आउटपुट 0 रहेंगे। तो एक ही कंडीशन है जो इसको 1 कर सकती है, ऑल द इनपुट्स आर 0, एंड दिस इज़ द, यू कैन से द बुलियन एक्सप्रेशन ए और बी द होल बार, ओके। हमारे पास है नौ, ये एग्जॉर, ओके दिस इज द एग्जॉर गेट, ओके। तो ये एग्जॉर गेट भी हम देख लेते हैं। सो दिस इज़ द एग्जॉर गेट, ओके। तो ये लॉजिक गेट है विच हैज़ टू और मोर इनपुट्स एंड वन आउटपुट। द आउटपुट इज हाई व्हेन ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई। तो हम देखेंगे एग्जॉर गेट का आउटपुट जो है ये हाई रहेगा व्हेन ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई। इसको हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। दिस इज़ द लॉजिक सिंबल, ये लॉजिक सिंबल है इसका, ठीक है। और इसको हम इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन जो लिखेंगे, एक ये लिखेंगे ए एग्जॉर बी, ठीक है। इसको एक्सक्लूसिव और बोलते हैं, ओके। नाउ दिस इज द ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में देखते हैं, पहला इनपुट दोनों 0 0 है, ठीक है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1, 0, है ना, 0 इनपुट्स हाई हैं। तो 0 इज़ अ इवन नंबर, तो आउटपुट 1 0 आ गया। सेकेंड केस में हमारे पास दो इनपुट हैं, दो में एक हाई है, एक एक 1 मतलब ऑड नंबर है, तो इसलिए आउटपुट 1 हो जाएगा। थर्ड केस में हमारे पास दो इनपुट है, दो में एक इनपुट ही हाई है, तो 1 इज़ अ ऑड नंबर, इसलिए आउटपुट 1 आ गया। लास्ट केस में हमारे पास दो इनपुट है और दोनों 1 है, तो 2 मतलब 2 इज़ अ इवन नंबर, इसलिए आउटपुट 0 है। सो दिस इज़ द बुलियन एक्सप्रेशन। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम अगर एक्सप्रेस करेंगे तो ए डॉट बी बार और ए बार एंड बी, इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस किया जाता है, इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ओके ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। वी हैव कंप्लीटेड द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।